गाइज वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइज कैसे हो, और आज की वीडियो में अपने पास रखा हुआ है एक और 200 वोट स्टीरियो एम्पलीफायर जो कि हम बनाएंगे, लेकिन अभी ये यहाँ पे इसका जो मटेरियल है वो रखा हुआ है। हालांकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लगने वाली हैं, बट इसके अंदर जो मोटा मोटा सामान है वो सारा का सारा रखा हुआ है। अब वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि कई बंदे पूछते हैं कि सर जो आप ट्रोडल ट्रांसफॉर्मर में बनाते हो एम्पलीफायर, तो 200 वोट में ट्रोडल आप क्यों नहीं लगाते हो, उसमें EI कोर वाला जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो आप यूज करते हो, तो वो लेके आओ और हमें वो बनवाना है। तो अभी एक बंदे ने अपने ऑर्डर दिया है, अभी अनिल मलिक करके है बंदा है अपना, और ये कैथल का है, तो उधर से इस बंदे का ऑर्डर आया है। उन्होंने बोला है कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए, कस्टमाइज करवा के उन्होंने बनवाया, यानी कि एक तरीके से जो स्पीकर प्रोटेक्शन है वो ऐड करवाई है, अभी ट्रोडल ट्रांसफॉर्मर ऐड करवाया है। जो कि हम ये नॉर्मल एम्पलीफायर बनाते हैं 200 वोल्ट स्टीरियो का, तो इसमें क्या रहता है, एक EI कोर का ट्रांसफॉर्मर रहता है, बोर्ड रहता है, और अपना प्रीएम्प रहता है, और जो आगे ब्लूटूथ होती है वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें होती हैं। बट इसके अंदर क्या हो गया कि इसके अंदर दो स्पीकर प्रोटेक्शन भी ऐड हो जाएंगी, और जो ट्रोडल ट्रांसफॉर्मर है मेन हाईलाइट यही है, तो ये इसके अंदर ऐड होएगा। तो इसका जो जो नॉर्मल वाला हम बनाते हैं उसका रेट लगभग पड़ता है 4000 रुपये के करीब का, और डिलीवरी अलग रहती है। और ये जो एम्पलीफायर है गाइज, ये बनेगा अपना लगभग 6000 रुपये का, और प्लस लगेगा आपका जो डिलीवरी चार्ज है वो, ठीक है। बट इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी दमदार रहेगी। जो EI कोर वाला ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर आते हैं उनके जो एम्पियर हैं, जो वोल्टेज है, वो काफ़ी ड्रॉप होता है जब हम हाई वॉल्यूम पे एम्पलीफायर को चलाते हैं। बट ट्रोडल ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसको हम अपने तरीके से इसको मॉडिफाई करके बनवाते हैं ट्रांसफॉर्मर को, ठीक है, हमारे हिसाब की इसकी अंदर कोर रहती है और जो वायर रहती है वो बिल्कुल अपने हिसाब के रहते हैं, इसको कह के बनवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है। और जैसे मैं बोलता हूँ कि 100 प्लस 100 वोल्ट का ये एम्पलीफायर है, एक्चुअली ये 100 प्लस 100 से काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज निकालता है, लगभग 125-130 के करीब ये वोल्टेज निकालता है एक चैनल से, तो डबल चैनल है ये अपना, ठीक है। तो ये 250 वोट से ऊपर का एम्पलीफायर अपना हो जाता है, ठीक है। तो जिसको भी ट्रोडल ट्रांसफॉर्मर लगा के बनवाना है एम्पलीफायर, वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और इसकी अगर मान लो आपको देखनी ही वीडियो, असेंबलिंग की वीडियो देखनी है, तो वो कमेंट कर सकता है। तो इसका जो भी रहेगा डेटा, किस किस तरीके से इसके अंदर कनेक्शन करने हैं, जो भी कुछ करना है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और ट्रोडल ट्रांसफॉर्मर का एक और ये भी है कि जैसे अपना जितनी भी यहाँ पे स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह लगेंगी उनके लिए अलग अलग सप्लाई इसके अंदर से निकल जाती है, ठीक है, प्रीएम्प के लिए अलग है, स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए अलग है, बोर्ड के लिए अलग है, ठीक है, तो इनके लिए सबके लिए अलग अलग सप्लाई निकल जाती है। जबकि जो नॉर्मल वाला मैं बनाता हूँ उसके अंदर आप लोगों ने एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर अलग से लगा देखा होगा, ठीक है, तो वो प्रीएम्प के लिए मैं उसके अंदर लगाता हूँ, ठीक है गाइज। तो भाई ये जो प्रोजेक्ट है आप लोगों को कैसा लग रहा है तो कमेंट करके बताना जरूर,